ओम शांति। तो सब शांत स्वरूप में स्थित होकर बैठना और शांत मन से सुनना, क्योंकि जो भी हम सुनते जाएं अंदर धारण होता जाए, क्योंकि जितना धारण होता जाएगा उतना हमारा मूल्य बढ़ता जाएगा। हर मुरली में हमको मिलता है कि बच्चे अगर सुख देंगे तो सुखी होकर, और अगर दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। जो भी चीज देंगे, जो भी कर्मों का बीज बोएंगे, उसी फल की क्या होगी? प्राप्ति होगी। क्योंकि अगर हम इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम माया रावण के राज्य में बैठे हैं। वो हमसे अच्छे कर्म क्या है करने देगी? नहीं करने देगी, बहुत विरोध करेगी। क्योंकि माया हमारे को ही ज्यादा पोजीशन करती है। हमने माया को छोड़ दिया ना, रावण को छोड़ दिया, तो वो फुल फोर्स दिखाती है, ताकि ये भगवान के बच्चे किसी भी तरीके से इनके अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म नहीं हो सके। और ये भी विकारों के और विकर्मों के वश हो करके क्या कर लें, क्या कर लें, ये भी दुर्गति को प्राप्त हो जाए। उसके लिए बाबा रोज रोज हमें क्या देता है? सद ज्ञान देता है। जिस सद ज्ञान से हमारी बुद्धि कैसी बनती? सद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि बनती है, और उससे हमारा सद विवेक क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। और जब सद विवेक जागृत होता है तो आत्मा से सत कर्म होने क्या हो जाते हैं? श्रेष्ठ कर्म होने शुरू हो जाते हैं।